हेलो गाइस, आई एम वैशाली खीकान फ्रॉम वैशाली जी लर्निंग और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीएलएसआई टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक इन वेफर मैन्युफैक्चरिंग। सो अभी तक हमने देख लिया था कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन हम बना लेते हैं फ्रॉम द सैंड। सैंड से हमने पहले एमजीएस बनाया था, एमजीएस से हमने टीसीएस बनाया था, टीसीएस से हमने ईजीएस बनाया था। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन है वो पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्म में है। उस पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्म को हमें सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन स्ट्रक्चर बनाना है, जिसके लिए हम तीन प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज ब्रिजमैन क्रिस्टल ग्रोथ प्रोसेस, राइट। सो ये जो ब्रिजमैन क्रिस्टल ग्रोथ प्रोसेस है वो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, देन ज़ेरुकाल्स्की प्रोसेस एंड देन फ्लोटिंग जोन मेथड। सो तीनों को कंपेयर करेंगे, तीनों को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द ब्रिजमैन क्रिस्टल ग्रोथ प्रोसेस। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक है टू यूज टू ग्रो क्रिस्टल्स, राइट। सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन बनाने के लिए ब्रिजमैन क्रिस्टल ग्रोथ टेक्निक इज द ओल्डेस्ट टेक्निक, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक। सो इस टेक्निक के पीछे जो साइंटिस्ट थे वो थे ब्रिजमैन और स्टॉकबर्गर, राइट। दो साइंटिस्ट थे इस टेक्निक के पीछे। सो इट इज द टेक्निक व्हिच इज नेम्ड आफ्टर द हार्वर्ड फिजिसिस्ट। हार्वर्ड फिजिसिस्ट थे पर्सी विलियम ब्रिजमैन और MIT के फिजिसिस्ट थे डोनाल्ड सी स्टॉकबर्गर, और इस टेक्निक को जनरली बोलते हैं ब्रिजमैन स्टॉकबर्गर टेक्निक, राइट। सो इस टेक्निक में एक हमारे पास क्रिस्टल ग्रोथ होता है फ्रॉम द मेल्ट, राइट। पहले हम क्रिस्टल को मेल्ट कर देते हैं, जो हमारे पास EGS आया था उसको पूरा मेल्ट कर दिया। अब इससे फिर से सॉलिड क्रिस्टल बनाते हैं, राइट। सो इट इज अ पॉपुलर वे ऑफ प्रोड्यूसिंग सर्टेन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड बनाना हो, फॉर विच ज़ेरुकाल्स्की प्रोसेस इज मोर डिफिकल्ट। तो जब भी हमारे पास कंपाउंड सेमी कंडक्टर्स होते हैं तो उस केस में हम प्रेफर करते हैं कि ब्रिजमैन टेक्निक को यूज कर लें, राइट। वेर एज ज़ेरुकाल्स्की टेक्निक इज मोर पॉपुलर, ये बहुत पॉपुलर टेक्निक है। ज़ेरुकाल्स्की टेक्निक पॉपुलर टेक्निक है। सिलिकॉन जर्मेनियम को करना होगा हमें सिलिकॉन सिंगल क्रिस्टल फॉर्म में, तो हम ज़ेरुकाल्स्की टेक्निक को यूज कर लेंगे। ब्रिजमैन टेक्निक हमारे पास गैलियम आर्सेनाइड जैसे सब्सटेंसेस पर यूज होती है, जहां ज़ेरुकाल्स्की प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है। द प्रोसेस कैन रिलायबली प्रोड्यूस सिंगल क्रिस्टल इनगॉट, बट इट डज नॉट नेसेसरली रिजल्ट इन यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द क्रिस्टल, राइट। सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो ये बना देता है, बट सारे स्ट्रक्चर के थ्रू आउट यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज नहीं दे पाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि डोपिंग कंसेंट्रेशन एक पार्ट पर सिलिकॉन के बहुत ज्यादा हो जाएगी, एक पार्ट पर बहुत कम हो जाएगी, सो ये चीज एक अनडिजायर प्रॉपर्टी है, राइट। या फिर इसकी रेडियस थ्रू आउट द क्रिस्टल अलग अलग हो जाएगी, सो ये चीज भी हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें रेडियस स्मूथ चाहिए, हमें डोपिंग स्मूथ चाहिए, हमें इसके अंदर अगर इंप्योरिटीज है वो भी कम चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दोज प्रॉब्लम्स ब्रिजमैन टेक्निक्स इज नॉट दैट पॉपुलर, ये इतनी पॉपुलर टेक्निक नहीं है। इसकी वजह से ज़ेरुकाल्स्की प्रोसेस ज्यादा पॉपुलर है। सो कमिंग टू द डिफरेंस बिटवीन ब्रिजमैन एंड स्टॉकबर्गर टेक्निक, ब्रिजमैन और स्टॉकबर्गर दोनों अलग अलग टेक्निक्स थी। सो द क्रूसिबल कंटेनिंग द मोल्टन मटेरियल इज ट्रांसलेटेड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट इन फर्नेस इन द ब्रिजमैन टेक्निक। ब्रिजमैन टेक्निक में क्या होता है कि एक क्रूसिबल ले लेते हैं जहां पर हम मेल्ट कर देते हैं सिलिकॉन को, उसको अब हम टेम्परेचर के अलॉन्ग ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर है, यहाँ पर कम टेम्परेचर है, तो ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ इसे ट्रांसफर करते हैं। वेयर एज इन स्टॉकबर्गर टेक्निक हमारे पास एक हाई टेम्परेचर जोन होता है, एडियाबेटिक जोन होता है और एक लो टेम्परेचर जोन होता है, राइट। तो यहाँ पर तीन टेम्परेचर जोन्स होते हैं। ब्रिजमैन टेक्निक में ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर होता है। सो द ब्रिजमैन टेक्निक इन्वॉल्व्स हीटिंग पॉलीक्रिस्टलाइन मटीरियल इन अ कंटेनर अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड स्लोली कूलिंग इट फ्रॉम वन एंड वेयर अ सीड क्रिस्टल इज लोकेटेड। सबसे पहले तो हमने क्या करा, EGS को मेल्ट डाउन कर दिया। मेल्ट डाउन करने के बाद उसे क्रूसिबल में रखा, क्रूसिबल में हमने एक सीड डाल दिया। लाइक यू हैव वाटर, वाटर हमारे पास हायर टेम्परेचर पे रहता है, और हमारे पास अगर मैं आइस की बात करूँ, आइस लो टेम्परेचर पे है। वाटर के अंदर अगर हमने आइस डाली और उसे फिर लोअर टेम्परेचर में रखा, तो आइस के अराउंड हमारे पास वाटर सॉलिडिफाई होने लगेगा सबसे पहले। ऐसे ही हमने क्या किया, हमने सिंगल क्रिस्टल का एक छोटा सा सीड ले लिया, छोटा सा क्रिस्टल लिया सिंगल क्रिस्टल का सॉलिड स्टेट में, उसे हमने मेल्ट में डाला और इस मेल्ट को अब लोअर टेम्परेचर की तरफ ले गए। जैसे ही मेल्ट को लोअर टेम्परेचर की तरफ लेके जाएंगे, सीड के अराउंड क्या होने लगेगा, सिलिकॉन सॉलिडिफाई होने लग जाएगा, राइट। सो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है, सिलिकॉन हम मोस्टली यूज करते हैं, इसलिए आई सेड सिलिकॉन, बट कोई भी और भी सब्सटेंस रहेगा तो
सीड के अराउंड हमारा सॉलिडिफाई होने लगेगा. सिंगल क्रिस्टल मटेरियल इज प्रोग्रेसिवली फॉर्मड अलोंग द लेंथ ऑफ द कंटेनर. जैसे जैसे उसे मूव करवाते जाएंगे लोअर टेम्परेचर में, वैसे वैसे सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन बनता जाएगा, सिंगल क्रिस्टल मटेरियल बनता जाएगा. द प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट इन अ हॉरिजॉन्टल और द वर्टिकल ज्योमेट्री. अब आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हॉट जोन है, ये हमारे पास मफल है और ये हमारे पास कोल्ड जोन है. सो यहाँ पर हमने आर्सेनिक रख रखा है. आर्सेनिक किस लिए रख रखा है? डोपिंग करने के लिए, राइट. ये हमारे पास सीड है और ये हमारे पास गैलियम आर्सेनाइड है, ये हमारे पास मेल्टेड गैलियम आर्सेनाइड है. मेल्टेड गैलियम आर्सेनाइड को अब हम क्या कर रहे हैं, हम हॉट जोन से कोल्ड जोन की तरफ लेकर आएंगे. तो सीड के अराउंड ये क्या करने लग जाएगा, सॉलिडिफाई होने लग जाएगा. वर्टिकल ब्रिजमेंट टेक्निक में क्या होता है, हमारे पास डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन होती है बाय ट्रांसलेटिंग अ मेल्ट फ्रॉम द हॉट जोन टू द कोल्ड जोन ऑफ द फर्नेस, राइट. अब हम यहाँ पर भी थ्री टेम्परेचर जोन्स होते हैं, अपर जोन विद टेम्परेचर अबव द मेल्टिंग पॉइंट जो कि हमारा हॉट जोन होता है जहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर रखते हैं, द लोअर जोन जहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर रहता है, एंड द एडियाबेटिक जोन जो कि बैफल होता है इन बिटवीन द टू. सबसे पहले पॉलीक्रिस्टलाइन मटीरियल को कहाँ रखते हैं, इट शुड बी मेल्टेड. सो क्रूसिबल को पहले हॉट जोन में रखते हैं जिससे कि हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन मटीरियल मेल्टेड हो जाता है, राइट. एंड देन इट इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सीड, फिर उसमें सीड डालते हैं और फिर उसको मूव करने लग जाते हैं. पार्ट ऑफ द सीड विल रीमेल्ट. जैसे कि अगर आप आइस को वाटर में डालते हैं तो कुछ आइस मेल्ट हो जाती है, बट पूरी आइस तो एकदम से मेल्ट नहीं होगी, और उसे फिर खींच खींच कर लेकर आ जाते हैं लोअर टेम्परेचर जोन में. तो जैसे उसे लोअर टेम्परेचर जोन में लाते हैं वो सॉलिडिफाई होने लग जाता है और उसे एक इंटरफेस मिल जाता है अलोंग द सीड. सीड के अराउंड उसे इंटरफेस मिलते हैं जहां पर वो सॉलिडिफाई होने लगता है. और सीड क्योंकि हम सिंगल क्रिस्टल सीड लेते हैं और जो भी हमारे पास सॉलिडिफाई स्ट्रक्चर बनता है वो भी सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है. द क्रूसिबल इज देन ट्रांसलेटेड स्लोली इनटू द कूलर सेक्शन. कूलर सेक्शन में ट्रांसलेट करते हैं, द टेम्परेचर एट द बॉटम ऑफ द क्रूसिबल फॉल्स बिलो द सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर एंड द क्रिस्टल ग्रोथ इज इनिशिएटेड बाय द सीड एट द मेल्ट सीड इंटरफेस, जो कि मैंने अभी बताया था. जैसे उसे लो टेम्परेचर रीजन में लाते हैं सीड के इंटरफेस पर हमारा सॉलिडिफिकेशन होने लग जाता है. After the whole crucible is translated through the cold zone, the entire melt convert to the solid single crystal, single crystalline ingot. So, जो भी हमारा crucible रहता है, वो solid single crystal ingot में convert हो जाता है. Impurities का क्या होता है? Impurities prefer करती हैं कि melt में जाए, right? Impurities melt में जाना prefer करती हैं. तो impurities भी क्या करती हैं कि जो melted वाला part है उसकी तरफ जाती जाती हैं, जो हमारा solid part है वो highly pure structure बन जाता है, purity भी increase हो जाती है. एक तो single crystal structure बन जाता है, second इसकी purity increase हो जाती है. Due to a directed and controlled cooling process of the cast, the zone of aligned crystal lattice are created, right? Aligned crystal lattice बन जाते हैं. 60% of the polycrystal silicon can be processed to wafer for photovoltaics. 60% जो भी polycrystalline structure था उसे हम process कर कर इसे usable silicon structure बना सकते हैं, photovoltaics में use कर सकते हैं, जो कि अब हमारा बचा हुआ है, बचे हुआ हमारा बेकार हो जाता है sawing cutting process में, राइट. सो वर्टिकल ब्रिजमेंट टेक्निक आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास वर्टिकली हम मूव करते हैं हॉट जोन से कोल्ड जोन में. एक्चुअली जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल ब्रिजमेंट टेक्निक थी उसमें क्या प्रॉब्लम थी, जो सरफेस था, सरफेस के अलोंग हमारे पास सरफेस से कॉन्टेक्ट में था हमारा मेल्ट, राइट. सो जो मेल्ट अगर सरफेस के कॉन्टेक्ट में रहेगा, सरफेस के अगर ऊपर कुछ इम्प्योरिटी रहेगी वो मेल्ट के अंदर चली जाएगी. सो यहाँ से इम्प्योरिटीज बढ़ सकती हैं. सरफेस अगर हमारे पास क्वार्ट्स का है तो जिसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन जा सकता है इस मेल्ट के अंदर. सो ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए हम वर्टिकल ब्रिजमेंट टेक्निक्स प्रेफर करते हैं. एंड ऑल्सो जो वर्टिकल ब्रिजमेंट टेक्निक है इसमें जो क्रूसिबल बनेगा वो पूरा सिलेंड्रिकल बनेगा, वेयर एज अगर हॉरिजॉन्टल में लें तो यहाँ पर बेस पे पूरा सर्कुलर शेप नहीं बन पाएगा. ऊपर सर्कुलर शेप बनेगा जैसे ही वो सॉलिडिफाई होएगा, बट नीचे क्योंकि सरफेस से प्रेशर लग रहा होगा यहाँ पर सर्कुलर शेप नहीं बन पाएगा. जब हम वर्टिकल में क्रिस्टल ग्रोथ करवाएंगे तो ये सर्कुलर शेप में ही ग्रो करेगा. सो आई होप आपको समझ आया होगा ब्रिजमेंट टेक्निक होता क्या है. अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर डाल दीजिए. आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल. आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक. थैंक यू सो मच.